यूनिट बना रहे हैं आप लोग, आप मतलब? कौन सा यूनिट? मतलब मैं तो इस देश को बदल रहा हूं, मैं तो हाँ जो हम है लोग गुलामों के मेन नियम कानून को बदल रहा हूं, मैं जो यस है लाटसाहबी व्यवस्था जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपी हुई है उसको बदल यस रहा यस हूं। और मैं तो प्रदेश का महामंत्री हूँ, वैश्य समाज में उमा शंकर जी जिसके अध्यक्ष हैं। जी आपका शुभ नाम क्या है? मैं सुनील गुप्ता। ओके सुनील गुप्ता जी, आप मुझे जानते होंगे, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी। मैं 7 साल डीजीपी पद पे रहा हूँ, डीजी यस रेलवे यस रहा हूँ, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिसास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ, और हाँ यस यस डीजी पुलिस रिफॉर्म भी रहा हूँ। यस यस मेरे को जानकारी है सर। तो आपको नहीं लगता है कि अब जो है व्यवसायियों को सबको एक साथ आना चाहिए? कब तक हम जो एक देखो एक एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपसे यदि कठोर बातें करूंगा तो आप मुझे माफ करेंगे क्या? यस यस बताए सर। तो मैं कठोर बात ये कहना चाहता हूं कि हम बनियों को अपने चरित्र पर लज्जा नहीं आती है क्या? हम जो है इनसे टिकट मांगते हैं, यदि हमको टिकट मिल भी गया और हम मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन गए, मंत्री भी बन गए, तो क्या हमारी औकात है कि हम समाज का या देश का कोई भी काम कर ले? नहीं कर क्या मैं सकते इनकी पार्टी का कठपुतली नहीं हूं? है ना, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैथिली शरण गुप्त जो कह रहे हैं कि भैया यदि डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, उत्पीड़ित हो इस व्यवस्था से और पर्दे के पीछे रहना चाहते हो तो सदस्य बन जाओ, यदि निर्भीक हो, निडर हो, तो चंद्रगुप्त बन जाओ, और यदि दल गुलाम हो, अंधभक्त हो, अपना का और अपने बच्चों का भविष्य नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर महादुष्ट का सर्टिफिकेट ले लो। सही है ना सर। क्योंकि अब हमें महादुष्ट भी कहना ही होगा, जो हाँ ये बात जो आज जो है जागने के लिए तैयार नहीं है, जो यस आज बिना उचित कारण के अपने आप को अंधभक्त बनाया हुआ है, दल गुलाम बनाया हुआ है, उसे हमें महादुष्ट कहना ही होगा। उसे हाँ बुरा सही है लगे तो अच्छी बात है, अच्छा लगे तो अच्छी लगे, क्योंकि हमें जो निर्जीव पड़े हुए लोग हैं इन्हें जगाना ही होगा। सही है यस तो बस मेरा आपसे ये कहना है कि समाज के लोगों को जोड़िए, और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि हमारे समाज ने बहुत अच्छा काम किया है, हम जो है ऑलरेडी ब्लॉक और गांव लेवल तक पहुंचे हुए हैं। क्या जो अभी व्यवस्था में बैठे और पदों पर बैठे लोग हैं, क्या हम उनको चंद्रगुप्त, सदस्य या महादुष्ट, इन तीन कैटेगरी में बांटना चाहेंगे क्या? उनको उनको नहीं निर्णय सर। लेने दीजिए। देखिए उन्हें निर्लज्जता का लेने का भी निर्णय का अधिकार देते हैं, उन्हें दल यस गुलाम बनने का भी अधिकार देते हैं, उन्हें अंधभक्त बनने का भी अधिकार देते हैं। बस हम एक अधिकार ले लेंगे कि यदि आप अंधभक्त, दल गुलाम बने हुए हो और अपने बच्चों को आप ये देखिए, मैंने कभी आपको पोस्ट जारी की है जिसमें मैंने बताया कि व्यापारियों का क्या शोषण हो रहा है। बहुत हालत खराब है। तो भैया जाग के मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े होने में आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे ना सर। आप ये सर मुझे अभी सर आप मुझे छोटी सी बात एक एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, मैं बहुत छोटी सी बात आपसे कहूंगा, क्या मैं आपसे 5 पैसे ले रहा हूं? नहीं नहीं ले रहा हूं। आप जो है जुड़ के सदस्य या चंद्रगुप्त बन रहे हैं, और चंद्रगुप्त बन के आप मेरिट लिस्ट में आ जा रहे हैं, तो बिना मांगे, बिना किसी के सामने चाटुकारिता किए आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक या सांसद का टिकट भी मिल रहा है। आपको अपना चुनाव प्रचार नहीं करना है, सिर्फ संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़कर यदि आप नंबर वन पे आ गए प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री बनने का ताज दे रहा हूं आपको, और यदि आप राष्ट्र स्तर पे नंबर वन पे आ गए तो प्रधानमंत्री का ताज भी दे रहा हूं, और 21 जी लक्ष्यों के सहित महापरिवर्तित भारत निकालने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त ने अपने सिर पे ठोक के रखी हुई है। अब जी इससे सर अच्छी कोई व्यवस्था आपको मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती सर। अभी हमारा जो जिला है बड़वानी जिला, जी इसमें 79% आदिवासी है तो उन और वैश्यों हाँ हाँ की संख्या ओनली 5% है। 5% तो भैया देखिए मैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको समझा दूं, ठीक है ना? जी इसका स्ट्रक्चर ये है कि 5 जो है उपाध्यक्ष हैं, एक उपाध्यक्ष जो है व्यापारी विंग से आएगा, राइट? एक जी उपाध्यक्ष जो है वो यदि आदिवासी जिला है तो आदिवासी से आएगा,
एक उपाध्यक्ष एससी एसटी से आएगा, एक उपाध्यक्ष किसान से आएगा, एक उपाध्यक्ष जो है गरीब तबके से आएगा, गरीब नारायणों से आएगा, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं ऐसे लोगों से आएगा। तो ऐसे जो पांच जो है उपाध्यक्ष बनेंगे, उन्हें दो दो जो है सहायक उपाध्यक्षों को नामित करना है। दो दो जो सहायक उपाध्यक्ष हैं और इन दोनों को मिलके फिर चार चार जो है सदस्यों को नामित करना है। इस प्रकार 20 सदस्य नामित हो गए कि नहीं हो गए। हो गया ना। और जो इसमें उपाध्यक्ष है, इन पांचों में जो सबसे अच्छा करेगा, लोगों को जोड़कर संगोष्ठी करके उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष बनिया नहीं बनेगा, अध्यक्ष वो अपने कर्तव्य के आधार पर बनेगा, हाँ, उसका काम के आधार पर काम बनेगा। के आधार पर बनेगा। यदि वो लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा तो उसको बन जाएगा। अच्छा, इसमें मार्किंग का सिस्टम रखा है। यदि आप चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 500 नंबर मिलेंगे। आपसे अपेक्षा की गई है कि मिनिमम 2 संगोष्ठी आप करेंगे, तो संगोष्ठी आयोजित करके उसका वीडियो भेजेंगे तो 50 नंबर मिलेंगे, राइट? उस संगोष्ठी में क्राइम फ्री भारत के जो हमारे वीडियो है वो दिखाना है, फिर सामने वाले से पूछना है कि भैया डरे हो तो सदस्य बन जाओ, यदि घबराए और जो है निर्भीक हो, निडर हो, तो चंद्रगुप्त बन जाओ, और यदि आप दल गुलाम अंधभक्त हो तो आपसे चर्चा के बाद हम आपको महादुष्ट का सर्टिफिकेट दे ही देंगे, राइट? और आपका नाम महादुष्टों की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली सेनगुप्त के पास भेज देंगे, जो आपसे शास्त्रार्थ करेंगे और उसे लाइव रिले करेंगे, राइट? तो आप एक्सपोज हो जाओगे, आपका सुडो जो है इंटेलेक्चुअल जो है ना एक्सपोज हो जाएगी, दुनिया जान जाएगी कि तुम्हारा असली चरित्र क्या है। अब ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, संभाग स्तर पर है, जिला स्तर पर है, इसके बाद जो ना सब डिवीजन पर है, ब्लॉक पे है, तहसील पे है, गांव पे है, और लगभग इसी इसी स्तर पे जो है स्पेशली बनियों ने ऑलरेडी संगोष्ठी बनाई हुई है, अपने पद बांटे हुए हैं। बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं? हाँ, बाटे हैं ना, बांटे हैं। तो यदि इनके भी हम बाटे हैं, यदि पर हम यदि एक मिनट यदि हम उनको उत्तरदायित्व दें कि जो पांच पांच उपाध्यक्ष उनको अपने ही जगह के चुनना है और इन कैटेगरी के चुनना है, तो बहुत जल्दी संगठन खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप बताइए, उसमें जो है एक सामूहिक पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब बताओ, ये महापरिवर्तन को कोई रोक पाएगा क्या? माननीय नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त होगी कि नहीं होगी, बताइए? बिल्कुल होगी। तो ऐसे दुष्ट जिन्होंने इस देश के साथ दुष्टता की है, अपने ही प्यारे देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। अंग्रेजों ने वो नियम कानून आपकी सेवा के लिए बनाए थे, या 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, भारतीयों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, तोड़ने के लिए, और प्रक्रिया में उलझा कर उनकी जमीनें बिक जाएं, उन्हें न्याय ना मिले, इसलिए बनाए थे? किस लिए बनाए थे बताइए? वो उनके फायदे के लिए बनाए थे अंग्रेजों ने। हाँ, उनके फायदा इन चार चीजों में था ना, कि तुम उत्पीड़ित बने रहो, प्रताड़ित बने रहो, डरे बने रहो, सहमे बने रहो, और आप टूट जाओ अंदर से, आपकी जमीनें बिक जाएं, ये उनका स्वार्थ था, जिससे उनका आपको ये सही आदर्शी। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? है ना सर। वो तो अंग्रेजों ने तो अपने फायदे के लिए बनाया था। बहुत सही बात है। अच्छा, उन्होंने जो दुष्टतापूर्वक अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों का कैसा कैसे शोषण करेंगे, इसी के लिए बनाई थी? तो फिर ये हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही व्यवस्था आज भी अपने देशवासियों के ऊपर क्यों थोपी हुई है? ये वोटों की राजनीति है सर, और अपने रोटी सेक रहे हैं और क्या। तो यदि हम आपको एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं जिसमें आपको किसी से टिकट नहीं मांगना पड़ेगा, हमारे जो लोग हैं इन्हीं दुष्टों के पास जाके टिकट क्यों मांग रहे हैं? सही है सर। आप ये जो है ना चंद्रगुप्त बनिए, और यदि उस लिस्ट में आप आ जाएंगे तो आपको अपने आप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अच्छा, हम ये कह रहे, चलो आप चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, तो महापरिवर्तित भारत तो आपको अपने आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना सर। तो फिर सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं है? और यदि आप चंद्रगुप्त बन के लोगों को जोर से संगोष्ठी करेंगे, अभी कम लोग जुड़े हुए हैं, तो अभी इस यदि शुरू के आत में जो मेहनत कर लेगा, वो थोड़ी सी ही मेहनत से चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। थोड़ी सी मेहनत से, और उसके ऊपर जो है ना चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और चंद्रगुप्त का ताज मिल जाएगा, और उसका जीतना 100% वो है, क्योंकि आपने भी माना है कि इस व्यवस्था में माननीय नरेंद्र मोदी भी हारेंगे, अमित शाह भी हारेंगे, और किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा।
सही है और जीतेगा कौन? उभरते हुए चंद्रगुप्त, जिनके अभी नाम भी स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज कोई कह सकता है, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा? मैं चंद्रगुप्त का लेकिन रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं, लेकिन हमें तो मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा ना। सही है ना। तो उसको हम उभरते हुए चंद्रगुप्त कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे ना सर। तो ये दुष्ट लोग जो हैं, आप मुझे बताइए, क्या ये लोग जो हैं उन उभरते हुए चंद्रगुप्तों से वो लोग नहीं हारेंगे जिनका अपने बारे में मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना मेरी बापौती है, और मेरे मरने के बाद या मेरे रहते ही मेरे बच्चों की भी बापौती है? तो हो ही यही रहा ना सर। नहीं, लेकिन यदि तो आपको हमारे साथ खड़ा होने में क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम बढ़िया है, तो बढ़िया विचार है। इसमें आपके कोई 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं कुछ भी नहीं हो रहे। क्या आपने कोई नियम कानून तोड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आपने कोई जुलूस निकाला? तो नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। तो आपको सिर्फ मेंबर बनाना है, तो अच्छे मेंबर। लोगों को ऊर्जाकृत करना है, उसके लिए 4,000 से 300 से ज्यादा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन्हीं को सुनिए जो अच्छे लग रहे हैं। सामने वाले से पूछ लीजिए, भाई साहब आप डरे सहमे हैं तो सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, आपका स्वागत है। यदि निडर निर्भीक हैं और 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत चाहते हैं तो आप चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ जाइए। जरूर सर। इस सिस्टम में तो जो सबसे गरीब परिवार है, जिसके पास आज शिक्षा भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, मैथिली शरण को तो उसको गारंटी दे रहे हैं कि 2029 तक आपकी क्रय शक्ति हम 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार कर देंगे। कितना समृद्ध भारत होगा? सही है सर। उस अनपढ़ गवार से बाकी लोग तो ज्यादा ही कमाएंगे ना। इसका मतलब है 2 लाख रुपए प्रति माह हमारी मिनिमम जो है इनकम होगी सभी की, राइट? तो बाकी लोग कितने समृद्ध होंगे? ये फिर से भारत सोने की चिड़िया नहीं बन जाएगा? बनेगा सर। आप ये बताइए कि जो अभी नई व्यवस्था है जिसमें 16 करोड़ लीटर हम दूध जो है पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं, लगभग 50 करोड़ लीटर दूध बेशर्मी से हर दिन केमिकल से बनाया जा रहा है जिससे कैंसर हो रहा है। भाई साहब, हम अपनी गायों की संख्या 10 गुना करके और उनको जंगलों में गौशाला बना के उनकी मसाजिंग का और उनका वहां पर जो है गायों की पूजा की करने की व्यवस्था की जा सकती है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब? कोई क्योंकि दिक्कत नहीं है अभी। क्योंकि इनका नहीं, ये दुष्ट हैं, ये जो है इतने दुष्ट हैं। एक इनसे पूछा गया, जब ये बन गए तो इन्होंने पहले कमिट किया था नेहरू जी ने कि ये गौ हत्या के विरोध में कानून बनाएंगे। तो किसी ने इनसे पूछा, मैं नाम भूल रहा हूं, कोई कोई बड़े इंपॉर्टेंट नेता ने इनसे पूछा कि भाई साहब आपने कहा था, क्योंकि ये इनकी उम्र बहुत ज्यादा तो थी नहीं, तो अधिकांश लोग इनको नाम से बुलाते थे कि जवाहर तुमने तो कहा था कि हम ऐसा करेंगे, अब कर दो, अब क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मेरे लंच का क्या होगा। मतलब मेरा खाने का क्या होगा वह। हाँ, मतलब मेरा लंच, मैं तो गऊ मांस को ही खाता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि जब उन्होंने ये जवाब दिया था उस समय इनकी भर्त्सना प्रस्ताव यदि पारित होता तो जो दुष्टता जो होती रही वो दुष्टता नहीं होती? चलो, नेहरू जी ने तो पूरा पूरा सत्यानाश कराया उसी समय से। तो तो भैया फिर उसी कांग्रेस को आप क्यों सपोर्ट करते हैं? और फिर दूसरी नहीं, बात, मैं क्या दू हमने तो कभी कांग्रेस को सपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाजपा ने भी तो अच्छा नहीं किया। भाजपा को आर्टिकल 370 हटाने में समय क्यों लगा? जिस आर्टिकल के मुंह पे लिखा हुआ है कि इट इज ए टेम्पररी क्लॉज, और उसमें लिखा हुआ है कि इट कैन बी रिमूव्ड मेयर बाय द डिक्लेरेशन, और उसमें कंसल्टेशन के कह रहे बताया गया कि जो है ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली से कंसल्टेशन किया जाएगा। अब हाँ कंस्टिट्यूंट यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में नहीं है तो ये शर्त रिडंडेंट हो गई कि नहीं हो गई? तो बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल। इसका मतलब है कि बाय मेयर नोटिफिकेशन आर्टिकल 370 हट सकता था। बिल्कुल हट सकता था, तो पहले चुनाव में हट जाता। वो तो 13 दिन के सरकार में ही हटा देते वो, बिल्कुल हटा देते। सही राइट? है नंबर सर। वन। आप बताइए, जब इन्होंने 2019 में आर्टिकल 35A को हटाया, राइट? तो आप बताइए, आर्टिकल 35A जब संविधान में गई, पार्लियामेंट में गई नहीं है, तो पार्लियामेंट को ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि भाई साहब ये आया कहाँ से है? पहले तो ये बताओ मुझे, हमारे सामने कब लाया गया था पहले ये? तो यदि वो पार्लियामेंट के सामने नहीं आया था, पार्लियामेंट को नहीं भेजा गया था, तो ये पीछे के रास्ते से नकबजनी करके घुसने जैसी बात हुई कि नहीं हुई?
भी सर, वो और वक्त बोर्ड वाला वो मैटर है, वो भी तो एक सर सिर दर्द है। नहीं, उसके बारे में अभी अपन नंबर तीन पे बात करते हैं, अभी पहले इस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए, यदि आपके घर में कोई चोर पीछे के दरवाजे से, पीछे के रास्ते से छेद करके अंदर घुसे, तो आप उसको फूल मालाएं पहना के बाहर के मुख्य रास्ते से विदा करेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। तो फिर ये आर्टिकल 35 2019 में क्यों हटाया गया, उसे शून्य घोषित क्यों नहीं किया गया? जिस कांग्रेस ने और जवाहरलाल नेहरू ने असंवैधानिक कृत्य किया, उसकी भर्त्सना क्यों नहीं की? सही बात सर। नहीं, आपको नहीं लगता है कि उसमें कांग्रेस की भर्त्सना होना चाहिए थी, जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना होना चाहिए थी, उसके असंवैधानिक सोच और चरित्र की भर्त्सना होना चाहिए थी? उनका पूरा मुखौटा बाहर आना था सर। क्यों नहीं किया? क्या माननीय नरेंद्र मोदी भी किसी के हाथ की कठपुतलियां हैं क्या? क्या है? नहीं, ये तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? बिल्कुल सोचना पड़ेगा, पर वो भी परेशान है सभी, जो ये ऑटो की राजनीति के कारण वो भी परेशान हो रहे हैं। ये उनका सिरदर्द है। यदि मैथिली शरण गुप्त इतना पावरफुल सिस्टम ला सकते हैं, तो भाजपा का सोच और चिंतन क्यों नहीं है? अब बकबोर्ड पे आ जाते हैं हम। बकबोर्ड क्या है? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है कि नो बडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो अपने आप ये वकबोर्ड एक्ट नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए था? उसके बाद में भी चलो वो कांग्रेस ने तो उसको एक मिनट, तो इन्होंने उसे अडॉप्ट किया, तो कांग्रेस के द्वारा अडॉप्ट करने की आज हमें भर्त्सना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, वो तो गलती हुआ। एक मिनट, फिर दुष्ट कांग्रेस ने 2005 में, नहीं 1995 और 2005 में, उसमें बहुत ही खतरनाक घटिया अमेंडमेंट किए, उस अमेंडमेंट की भी भर्त्सना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, जिसमें इन्होंने भारतीयों से सेक्शन 4 के तहत न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया, उसके लिए क्या कांग्रेस की भर्त्सना नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर हम सो क्यों रहे हैं? यदि हम अभी भी अंधभक्त हैं और दल गुलाम हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को इतनी हिम्मत है कि वो कहेंगे कि आप दल गुलाम हैं, अंधभक्त हैं, हम आपको महादुष्ट घोषित करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने तीन कैटेगरी बना दी हैं। डरे सहमे हो तो सदस्य के रूप में जुड़ जाओ, निर्वीक निडर हो तो चंद्रगुप्त के रूप में उड़ जाओ, और यदि अंधभक्त हो, दल गुलाम हो, तो महादुष्ट का सर्टिफिकेट ले जाओ मुझसे। बताओ ये बात, ये रणनीति कैसी है? नहीं सही है ना सर, सोच अच्छा हो। वैसे भाई आपको क्या, आपकी विचारधारा क्या है? ये तो नहीं, नहीं आप, तो, आप, में, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? मैं तो सिंपल बात ये कह रहा हूँ, फुल सहमत हूँ सर। ये तो पूरा जो है ना वोटों की राजनीति के कारण पूरा खराब कर दिया, और अभी भी ये जो 2000 अभी आप सोचिए, देखिए अभी जो है मध्य प्रदेश में भाजपा 200% हारेगी, लेकिन यदि दुष्ट भाजपा, दुष्ट जो है ना कांग्रेस आ गई, तो आपके ऐसे हाल करेगी कि आपको जो है पसीना आ जाएगा। सही है ना सर? तो फिर जो है, जब कांग्रेस महादुष्ट है और भाजपा दुष्ट है, तो हमें भैया चंद्रगुप्तों को वो जो है ना आगे निकाल के और फेयर कंपटीशन के आधार पर उन्हें जो है बिना खर्च किए विजयी बनाने का हमने मॉडल दिया है, तो उसका हिस्सा बनने में क्या दिक्कत है? नहीं कोई हरकत नहीं। तो क्या मैं ये मानूं कि आप अपनी शक्ति लगा देंगे सभी लोगों को कन्विंस करने में, और मुझे जगह जगह पे सभी जो है ना अध्यक्ष बुलाएं, और मैं उनको वो करूं, और विधिवत वहां पे सभी लोगों का मांस जो है चंद्रगुप्त या सदस्य जो भी वो मानते हैं उनका जो है वो ओथ लेने का जो है ना कार्यक्रम अपन हर जिले में, हर उसमें करना चालू कर दें? सर आप कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जब आप हमको आमंत्रित करोगे मैं आपके बीच में पहुंचूंगा, और इस चुनाव में, इसी चुनाव में 2023 के चुनाव में ना कांग्रेस जीतेगी ना जो है शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से हारेंगे और कमलनाथ छिंदवाड़ा से हारेंगे। बस केवल आप या तो अपने आप को डरा हुआ कह दीजिए, या जो है ना निर्डर और निर्वीक कह दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको निश्चित तौर पर महादुष्ट का सर्टिफिकेट तो मैं आपके लिए रेडी रखूंगा।
मेरी बात कैसी लगी आपको? मेरी सर बात एक आपको आप कैसी? हाँ सर वीडियो एक वायरल आपने अभी देखा हो कि नहीं, कल परसों का, कल का ही वीडियो है वो, किसका वीडियो है? हाँ कर्नाटक का है वो। हाँ क्या है उसमें? बस वाले ने, कोई मोमेडन महिला महिला थी, उनने बोला कि आप यहाँ बस रोक दीजिए क्योंकि वहां महिलाओं को फ्री में है, हाँ हाँ फ्री पास है वहां पर। हाँ तो हाँ वो महिला मोमेडन थी और उसने कहा कि मैं तो बस स्टॉप पे रोकूंगा, हाँ हाँ पूरे बस को रोक लिया और पूरे मोमेडन से अच्छा, इकट्ठे हो गए। मैं आपको 2 मिनट में फिर से लगाता हूँ, ठीक है? जी जी ओके, नमस्कार।